2019 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सभी पार्टी दल के लोगों ने अपनी अपनी ताकतों को लगाना शुरू कर दिया है। कहीं एक दूसरे पर तीखे बोल रहे हैं तो कहीं एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। ऐसे में हम आपको राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भिवंडी शहर के जो अध्यक्ष हैं खालिद टुड्डू जी के आदेश अनुसार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सेवा दल के भिवंडी शहर अध्यक्ष गुलाम खान के कार्यालय पर आज सैकड़ों की संख्या में सेवा दल में लोग शामिल हुए। आप देख सकते हैं कि वहां पर सेवा दल के भिवंडी शहर के उपाध्यक्ष के रूप में मोमिन महबूब मोहम्मद इसरार को नियुक्ति पत्र भिवंडी शहर सेवा दल के अध्यक्ष गुलाम खान के हाथों दिया गया। ऐसे में इस कार्यक्रम में उपस्थिति मुख्य रूप से भिवंडी शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आरिफ आलवी, भिवंडी शहर सेवा दल के अध्यक्ष गुलाम खान, वरिष्ठ कार्यकर्ता एनसीपी के ग्यासुद्दीन अंसारी, सेवा दल के उपाध्यक्ष इरशाद अंसारी, सोशल मीडिया सेल के भिवंडी शहर अध्यक्ष अफान मुल्ला, जनरल सेक्रेटरी ओबीसी सेल के फुरकान मोमिन, ग्यासुद्दीन खान जो कि युवा अध्यक्ष है सेवा दल के। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि चुनाव को लेकर जो आज पार्टी में बढ़ोतरी चल रही है और जो पार्टी को मजबूत करने का कार्य चल रहा है, ये आने वाले चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सभी पार्टी के लोग करना शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं एक दूसरे को मिठाइयाँ भी खिलाई गई, खुशी जाहिर की गई और नवनिर्वाचित भिवंडी शहर के जिनको सेवा दल के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया मोमिन महबूब मोहम्मद इसरार को उन्हें पुष्प गुच्छ देकर उनका सम्मान करते हुए सेवा दल की पूरी टीम साथ ही साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारियों ने पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत करते हुए नजर आए। मोमिन महबूब मोहम्मद इसरार मोमिन के साथ में मोहम्मद शहबाज मोमिन, शकील शेख, उमेश मोमिन, मुजाहिद मोमिन, अल्तमस अंसारी सहित कई ऐसे पदाधिकारी उनके साथ में जुड़े और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की बात हमारे चैनल के माध्यम से कही। रोशन बाग का हम आपको ये दृश्य दर्शा रहे हैं भिवंडी शहर के अध्यक्ष सेवा दल के गुलाम खान जी के कार्यालय की। ऐसे में हमारे चैनल से वार्तालाप करते हुए आरिफ अलवी जी, गुलाम खान और साथ ही साथ मोमिन महबूब मोहम्मद इसरार ने क्या कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट। आज बरोज सनीचर पहली तारीख सेवा दल अध्यक्ष की ऑफिस गुलाम भाई के नेतृत्व में इनकी क़यादत में ग्यासु भाई, ग्यासुद्दीन भाई, अफान मुल्ला जी, इरशाद भाई और तमाम लोगों की मौजूदगी में महबूब भाई को जो है उपाध्यक्ष सेवा दल का बनाया गया है। बड़ी खुशी का दिन है और पूरी उम्मीद है कि अपनी जिम्मेदारी जो है गुलाम के जो गुलाम का तरीका है काम करने का, पूरी भिवंडी में कहीं भी कोई मसला हो छोटा बड़ा, हर मसले में जो है अगर कोई उनके पास आता है तो अपने उनके अंदर एक काबिलियत है कि उस काम को अंजाम देते हैं। और पूरी मैं उम्मीद करता हूं कि आज से महबूब भाई जो है पार्टी के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए खालिद गुड्डू की क़यादत में आरिफ अलवी और तमाम लोगों के साथ मिल करके गुलाम भाई के साथ मिल के जो भी जिम्मेदारी सेवा दल की इनको मिलेगी, पूरी उम्मीद करता हूं कि ये बखूबी उसको अंजाम देंगे। मैं गुलाम खान साहब को जो कि भिवंडी शहर सेवा दल प्रेसिडेंट हैं इनको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि इनके काम को देखकर काफ़ी लोग इनसे और इनकी विंग से सेवा दल की विंग से जुड़ना चाहते हैं। जैसा कि आज एक अच्छे सोशल वर्कर महबूब भाई जो कि इनके विंग से जो है जुड़े और सेवा दल अध्यक्ष गुलाम खान साहब ने इनको जो है पूरे शहर का उपाध्यक्ष बनाया, इसलिए मैं महबूब भाई को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और गुलाम खान साहब को भी मुबारकबाद देता हूं जो कि अपने कामों से जाने जाते हैं शहर में और आने वाले दिनों में भी अपने कामों से ही जाने जाएंगे। मैं सबसे पहले महबूब मोमिन साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि वो हमारे साथ जुड़े, हमारी पार्टी में जुड़े और हमारे कुछ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कुछ ऐसे काम हैं उस काम को देखते हुए इनको लगा कि शहर के हित में अगर कोई पार्टी शहर के अंदर आवाज़ उठा रही है, गरीबों के लिए लड़ रही है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, इसीलिए इन्होंने
मुझसे रابता कायम किया कि हमें भी पार्टी में आना है और आपके साथ मिलजुल करके काम करना है। तो मैं खालिद गुड्डू साहब जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं उनसे रابطہ कायम किया, तो उन्होंने कहा बेशक उसने ले लीजिए और मैं आज नहीं हूँ, इसलिए आप अपने ऑफिस में ये प्रोग्राम कर लीजिए और उन्हें नियुक्ति पत्र दे दीजिए और अपने साथ लेकर के राष्ट्रवादी का काम, लोगों का, जनता का काम आप सब लोग मिल करके करिए। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि हमारे महबूब मोमिन साहब जो है ये हमारे साथ मिल करके जनता का भला करेंगे, लोगों का दुख सुख सुनेंगे और जो भी प्रॉब्लम है उनसे नहीं हो पाएगा वो मैं करूँगा, मुझसे नहीं हो पाएगा खालिद गुड्डू साहब करेंगे, लेकिन जनता का काम हम लोग करते रहेंगे, यही देखते हुए लोग आज शहर में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राष्ट्रवादी पार्टी का काम देखते हुए उनकी अच्छाई और जो भी वो वर्क करते हैं उसके मतलब सहमत होते हुए मैं इस पार्टी में शामिल हुआ हूँ और इंशाल्लाह जो भी मुझसे बन पड़ेगा मैं कोशिश करूँगा और गुलाम भाई मेरे साथ में हैं और जो भी राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोग हैं उनके साथ मिल के अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करूँगा और लोगों की मदद करने की कोशिश करूँगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए खबर के साथ, तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जनता की आवाज़ टीवी न्यूज़, धन्यवाद।